गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बेटा इसमें भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिनसे आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। ओके, तो आप केयरफुली होके वीडियो को अच्छे से देखें लास्ट तक, ठीक है, समझिए। क्वेश्चन है बेसिकली ये अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का ही है, 5.2 का में भी क्वेश्चन नंबर 12 होगा, ठीक है, देखते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हमारे पास दो एपी गिवन है जिनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि उनके 100 एथ टर्म का डिफरेंस कितना 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी कि बोला है दो एपी हैं, मान लो एक एपी आपकी स्टार्ट कर रहे हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट, दूसरी एपी है बी कॉमा बी प्लस डी कॉमा बी प्लस टू डी डॉट डॉट। डी तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस सेम ले लिया, फर्स्ट टर्म दोनों का डिफरेंस ले लिया अलग, ठीक है। अब आप 100 टर्म निकालेंगे दोनों के, ठीक है, इसका 100 टर्म टी 100 बोल दे रहे हैं, जो क्या होगा ए प्लस 99 इंटू डी, इसका टी 100 टी डैश बोल दे रहे हैं बेटा, ठीक है, टी 100 इसका टी 100 टी डैश बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बी प्लस 99 इंटू डी, ठीक है। बोला क्या है इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 100 गिवन है, तो देखो यहां से कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको, टी 100 माइनस टी डैश 100, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन है आपको 100, वैल्यू रख दे रहे हैं ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 टी इज इक्वल टू 100, ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं, तो ए प्लस 99 डी माइनस बी माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100, ये खत्म हो गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 100, ठीक है, ये याद रखेंगे भी, आगे देखते हैं कंसेप्ट काम में आएगा। अब पूछा किसका है 1000 टर्म्स का डिफरेंस पूछा है, तो देखेंगे फर्स्ट सीरीज का t 1000 निकाल रहे हैं, तो a प्लस 999 d, ठीक है, और सेकंड सीरीज का निकाल रहे हैं t डैश बोल दे रहा है t डैश 1000, तो ये क्या आ जाएगा b प्लस 999 d, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया हमसे, तो दोनों का डिफरेंस निकालने का t 1000 माइनस t डैश 1000 इक्वल टू, देखें क्या आएगा बेटा, समझना, a प्लस 999 d माइनस b प्लस 999 d, माइनस ओपन कर दो, ए प्लस 99 d माइनस बी माइनस 99 d, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितनी 100, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस t 1000 माइनस t डैश 1000 t 1000 माइनस t डैश 1000 इक्वल टू 100, यानी कि इसका डिफरेंस भी बेटा कितना आ गया 100, देख लेंगे एक बार, नोट करेंगे बेटा वीडियो को, ठीक है। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग अच्छे समझेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 24 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, tn इक्वल टू 3 प्लस 2n गिवन है,
पूछा क्या है आपसे? S24 ऐसा है, ठीक है। अब S24 का फॉर्मूला लगाते हैं हम। S24 क्या होगा? 24/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 24-1 इंटू डी। ओके, ये समझ में आ गया आपको? S24 यूकस टू क्या है? 24/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 24-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू किस किस की पुट करनी है आपको? a एंड d। ओके, तो a और d चाहिए, वो कहां से फाइंड करेंगे आप? यहां से फाइंड कर लेंगे और d की वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है जब यहां पे n है तो यहां पे n है, अगर यहां आप t1 रखते हैं तो 3+2 × 1 यानी कि 5 हो जाएगा। देखें 2 बन जाए 2, 2+3 5, ठीक है। t1 t2 t2 इक्वल टू 3+2 × 2 तो 3+4 इक्वल टू 7, t2 कितना आ गया बेटा? 7। T1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको आप फर्स्ट टर्म मतलब ए बोल सकते हो। अब D फाइंड करना है हमें, तो D क्या होता है? D इक्वल टू T2-T1, यानी कि आपको पता चल गया 7-5। ओके, 7-5 कितना आ गया बेटा? T2। D कितना आ गया? D आपका आ गया 2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हो तो देखेंगे, इसको कैंसिल करो कितना आ गया? 12। 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी आई आपकी? 5। ए की वैल्यू कितनी? 5 प्लस 24-1 23 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2। आगे समझेंगे, 12 2 5 10 प्लस 23 2 46, 10+46 तो ये कितना हो जाएगा आपका? 56। मल्टीप्लाई कर दो, 12 7 12 7 60 7 आपका S24, ठीक है। देख लेंगे, 12 × 56 आपका हो गया 672, ठीक है। कैलकुलेशन का पार्ट भी आप समझ सकते हैं, आप मल्टीप्लाई खुद अलग लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको रफ कर रहे हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें आपको गिवन है Sn equals to 3n square plus 5n। n क्या गिवन है? tk 164। पूछा क्या आपसे? k की वैल्यू पूछी है s, ठीक है। जब यहां पे देखो n है तो यहां पे सब जगह n दिख रहा है, अगर यहां पे n की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो इधर भी 1 रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। रिप्लेस करते हैं s1 S1 equals to 3 into 1 का square plus के 5 into 1, तो ये आ गया 1 का square 1, 3 बन जाए 3 plus के 5 8, तो आपके पास S1 कितना आ गया? अच्छा, first of all Sn मतलब क्या है? n terms का sum, ठीक है। S1 का मतलब क्या है? एक term का sum, एक term मतलब first term का sum, यानी कि ये तो T1 ही है, यानी कि इसको तुम ए भी बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म मतलब T1 या फिर। अब रख रहे हैं हम T2 रख रहे हैं S2, तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो ये कितना हो गया? S2 देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का मल्टीपल कर लेंगे 12+10, यहां से मिल गया आपको 22, तो S2 मिल गया कितना आपको? 22। S2 का मतलब क्या है? दो टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट सेकंड, यानी कि T1 प्लस T2 का मतलब क्या है? S2, ठीक है। S2 का मतलब क्या है? T1 प्लस T2 की मिले है, T1 प्लस T2 कितना है बेटा? 22। ओके,
टी वन की वैल्यू इसमें रख दो 8 प्लस टी टू इक्वल टू 22, एट उधर ले जाओ तो टी टू इक्वल टू 22 माइनस 8, ये कितना बचेगा आपका 14, तो टी टू आ गया। अब हमें चाहिए क्या, डी चाहिए, क्योंकि ए तो हमें पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया ना बेटा, डी चाहिए। तो डी कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, टी टू कितना है 14 माइनस टी वन कितना आपका 8, कितना बचेगा आपका 6, तो डी आ गया यहां से, ठीक है, ए पता चलेगा डी पता चलेगा। अब के चाहिए, के के लिए ये इक्वेशन दिया उसने, समझेंगे यहां से, टी के, टी के मतलब क्या है, टी के 164, टी के का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8 प्लस के माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 6, 164, 8 को इधर लेके जाओ तो के माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस 8, तो देखेंगे कितना बचा आपका 156, चलने चलो चल 60 में से चलते, ठीक है। इधर देखो 6 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचा k माइनस 1, 6 का आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 टू जब 6 × 12, ठीक है, 3 × 36, तो 36 हो गया, यानी कि 6, तो यहां से आपका k माइनस 1 इक्वल टू 26 आ गया। 1 को इधर लेके जाओ तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 27, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी आपकी 27, ठीक है, यहां लिख दूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, ठीक है, 26 प्लस 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटा दे जाए, देखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, हमें इसका सम चाहिए, तो सम हम निकालने के लिए रेडी हैं। सम का फॉर्मूला हमें पता है Sn का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, लेकिन कितने टर्म्स का सम फाइंड करें हम पता ही नहीं, यानी कि सीरीज का सम फाइंड करना है, लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे Tn का, ठीक है, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, Tn मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दिया 89, a कितना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी निकालो, डी इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी कि 5, ठीक है, 5, इसको इधर ले गया तो 89 माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है, कितना बचेगा 85। अब n माइनस 1, ठीक है, 5 का डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 85 इधर लेके जा रहे हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 85 अपॉन 5, ठीक है, 5 × 5, ठीक है, 5 × 3 = 35, तो n माइनस 1 इक्वल टू 17, 1 उधर ले जाओ, n इक्वल टू 8, यानी कि आपको कितने नंबर्स का सम चाहिए, 18, 18 नंबर्स का सम चाहिए, 18 नंबर्स का सम, आप फॉर्मूला लगा दें यहां पर, s 18 इक्वल टू 18 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इनटू a, a कितना आपका 4, ठीक है, प्लस 18 माइनस 1 इनटू d, d कितना है, d कितना आपका 5, देख लो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, क्लियर, कैंसिल कर दो, कितना आएगा 9,
इन ब्रैकेट, फोर टू या एट प्लस 17 × 5 85, तो 9 इन ब्रैकेट 8 प्लस 17, 7 × 35 35 की 5 प्लस 9 3 × 3 8 85, ठीक है, इनको ऐड कर दे रहे हैं बेटा, समझना 9 × इसमें ऐड करो 5 और 8 ऐड करोगे, ठीक है, आप अलग लिख के बेटा ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 85 और ये 8 है, 8 यहाँ पर 0, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 + 1 9 9 3, ठीक है, अब इसका मल्टीपल करना है 27 + 9 2 9 81 81 83, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया S18 = 2। देखो बेटा S18 आपका कितना आ गया आंसर 837, ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक एंड कमेंट जरूर करें बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी से लेके आएंगे, ओके, बाय बाय।